जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ राशन कार्ड के संबंधित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार। दोस्तों, जब भी आप राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए जाते हैं या राशन कार्ड की सूची निकालने के लिए जाते हैं, तो जैसा कि मेरे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके का आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप अपना राशन कार्ड जो है किस तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे और किस ट्रिक से आपको करना होगा, कौन से वेबसाइट से करना होगा, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप ओरिजिनल राशन कार्ड की प्रिंट निकालना चाहते हैं, जैसा कि आपको मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप जो है इस वीडियो को पूरी देखें। ठीक है दोस्तों, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी और इसे आप निकाल करके जो है सभी काम कर पाएंगे अपने राशन कार्ड के संबंधित। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो की अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा ले, ताकि इसी तरीके की वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल सके। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा और इस वेबसाइट पे आने के बाद जैसा कि देख सकते हैं, आपको बाएं साइड में नीचे से दूसरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप मोबाइल में इसको खोल रहे हैं तो अपने ब्राउजर को जो है पूरे डेस्कटॉप मोड में उसको कर लेना है, जब भी आप इसको ठीक से देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन पे जो है टच कर लेते हैं। जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट बोला जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद शो पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे रूरल या अर्बन एरिया सेलेक्ट कर लेना है, फिर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका गांव सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप अपने गांव को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि वहां के जितने भी गांव में आपके राशन कार्ड होंगे उनकी सूची आपको देखने को मिल जाएगी। एक पेज में आपको, यानी कि पहले पेज में आपको 50 व्यक्तियों का होगा। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आपको 2, 3, 4 करके है। तो इस तरीके से आपको पेज बढ़ता हुआ चला जाएगा जब तक राशन कार्ड की सूची होगी। तो आपको यहाँ पे बारी बारी से देख लेना है कि आपका नाम किस पेज में है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए कोई एक राशन कार्ड नंबर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉपी कर लेने के बाद जैसा कि मैं आपको एक जो है ओपन, जैसा कि देखेंगे यहाँ पे आपको रिपोर्ट अवेलेबल फॉर्म 6 to 7 PM यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आपको हमेशा यही प्रॉब्लम आपको दिखाएगा। ठीक है, और आपको एरर इस तरीके का देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप ओके करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अपना राशन कार्ड जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने जैसा कि बता दूं कि मैंने राशन कार्ड नंबर जो है कॉपी कर रखा है। उसके बाद आपको दूसरे वेबसाइट पे आना है और जितने भी आपको वेबसाइट के लिंक की जरूरत पड़ने वाली है वो सारे लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर डायरेक्ट आप लिंक को खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। आने के बाद आपको जैसा कि एक ऑप्शन देखेंगे, ऊपर से तीसरे नंबर का ऑप्शन है RC डिटेल, इस पे आपको टच कर लेना है। टच कर लेने के बाद जैसा कि देखेंगे यहाँ पे आपको मंथ है, ईयर है और यहाँ पे RC नंबर है, यानी कि आपका राशन कार्ड नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप जो है महीना को आगे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, साल जैसा है वैसा रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अपना राशन कार्ड नंबर जो होगा चाहे आप लिख सकते हैं या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है नंबर को और मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट जैसे ही करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है पूरी जानकारी निकल गई है। देख सकते हैं, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपका नाम देखने को मिल जाएगा, आपका जेंडर मिल जाएगा, एज मिल जाएगा, आप राशन कार्ड में एक्टिव हैं या नहीं है वो आपको देखने को मिल जाएगा, राशन कार्ड में आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो राशन कार्ड संबंधित आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कि आपके राशन कार्ड का जो डीलर होगा उनका भी आप नंबर देख सकते हैं। ठीक है, राशन कार्ड की आपकी क्या टाइप है वो आपको देखने को मिल जाएगा, राशन कार्ड में कितने मेंबर हैं वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो राशन कार्ड संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे होंगे तो आपको 3 डॉट पे राइट साइड में ऊपर में कॉर्नर पे जाना है और 3 डॉट पे आपको टच करना है। उसमें आपको अगर प्रिंट का ऑप्शन मिलता है तो वहां से आप प्रिंट करके अपने मोबाइल में जो है उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको वो ऑप्शन दिखा तो आपको क्या करना होगा, फिर आपको एक ही उपाय है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं या किसी सिस्टम से कर रहे हैं तो आपको Ctrl+P कर लेना है, उसके बाद आपको सेव करने का या प्रिंट करने का दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसा कि आपको मेरे कंप्यूटर पे दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको सेव या प्रिंट कर लेना है। ठीक है, और बात करें कि अगर आपको ओरिजिनल प्रिंट जैसा चाहिए, जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो आपको मैं बता दूं कि इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये राशन कार्ड आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको इसमें बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैंने दूसरे पार्ट में उस वीडियो को मैंने बता रखा है। अगर आप इस तरीके का निकालना चाहते हैं, ओरिजिनल राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप जो है उस वीडियो को भी देख ले, तो आप बेहतर तरीके से जो है इस राशन कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे।
आज की जानकारी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।